राम राम सा दिल को चूरू पर नया हो तो सब्सक्राइब करियो। मैं हूँ थरसा के मनोज। चूरू पुलिस ने 8 जुलाई ने होयडे मर्डर को खुला शोक करते हुए एक महिला सहित दो जनान गिरफ्तार किया है। पुलिस एक नाबालिग ने भी निरुद्ध करियो है। मृतक युवक का विवाहिता के सागे प्रेम प्रसंग चलन लाग रो हो, जेंगो पतो बेंगे पति ने चाल गयो। पति आपके दोस्ता और पिता के साथ मिल गए, पीट पीट के युवक की हत्या कर दी और 3 अन्य आरोपियों की तलाश अभी भी पुलिस द्वारा जारी है। पूरी जानकारी एसपी नारायण टोकसों। ऐसा है, जैसे ही हमें इतला मिली कंट्रोल के माध्यम के कि एक अज्ञात व्यक्ति की लाश चूरू से रतनगढ़ जाती है, इसमें सातड़ा से गांव से पहले, इस पर हमारे अधिकारी और एफएसएल टीमें मौके पे गई और उसको प्राइमर पे या देखने पे शरीर के ऊपर बहुत मल्टीपल इंजरीज थी, ब्रूजेज थे। उस पर फिर ये था कि इसकी आइडेंटिफिकेशन करें। आइडेंटिफिकेशन उसकी रामदेवरा गांव जो पास में पड़ता है रतननगर थाने में, उसके रामातार भंबू के रूप में हुई। फिर हमारे जो टीमें हैं उस टीमों को लगाया कि भाई इस कैसे आया या कैसे नहीं आया, तो इसके गांव से ही एक इसका जो दोस्त था उसने बताया कि भाई मेरे को ये रात को लेके गया और ये कह रहा था कि मेरी एक फ्रेंड है जो साथ रामदेवरा की रहने वाली है, सातड़ा में ससुराल है, उसने बुलाया है और उसको मिलाने के लिए, तो मैं उसको छोड़ के आया। फिर उसके घर के अंदर हमने सर्च वर्च की, जो दीपचंद और दीपक जांगिड जिसकी वाइफ ने उसको बुलाया था, दीपचंद खुद इसके अंदर इन्वॉल्व होकर इसकी वाइफ को कहा कि भाई उसको तो बुला, क्योंकि उसको ये शक था कि मेरी वाइफ इससे अभी संबंध रखती है, तो उसको सबक सिखाने के लिए इसकी वाइफ की तरफ उसको बुलवाया। और घर के अंदर जैसे ये गया उसके बाद में 3-4 व्यक्ति इसके साथ में इसने और बुलाए हुए थे, उन सब ने मिलकर इसके साथ में अंदर कमरे के अंदर बांध के मारपीट की। मारपीट होने के बाद में बेहोशी की हालत में आने को उसको मोटरसाइकिलों पर लेके और सातड़ा के जान लाश मिली है वहाँ पटक के चले गए। अभी हमने इस संबंध में 3 को डिटेन किया है, एक दीपक दर्जी है, एक राहुल न्योल है और एक जो लड़की है जिसने इसको बुलाया था और इससे संबंध थे उसको हमने भी डिटेन किया है और आगे की तो तफ्तीश अभी चल रही है। आज जो बचे हुए मुलजिम है उसकी हम तलाश कर रहे हैं। हत्या का मेन कारण प्रेम प्रसंग को लेके था, इलीगल टर्म्स थे जो मृतक है और वो और जो दीपचंद झांगिड़ है इसकी वाइफ के साथ में इसके संबंध थे और उसको दीपचंद झांगिड़ को ये शक हुआ कि मेरी वाइफ के संबंध है, तो इसको इसकी वाइफ के थ्रू उसने बुलाना और वहाँ पे पूर्व में बने आदमी रखना और उसके साथ मारपीट करके उसे हत्या कर देना। ये जिस प्रकार से जो हमारे सामने जो आए हैं एक्यूज उनसे पूछताछ में और जो बंदा उसको छोड़ के आया इसका मित्र उसके आधार पर पता है भाई 10:30 से लेके 11 बजे के बीच में इसको वहाँ छोड़ के आया था। और ये जो अक्यूज जो हैं ये कह रहे हैं कि साहब करीब 2 से 3 घंटे तक कंटिन्यू इसके साथ में केबल से कोई एक बनाया था उसको रोड टाइप और उससे इन्होंने मारपीट की।